नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेणुगोपाल शर्मा है, दिल्ली से हूँ मैं, और असाइलम फाइटोफार्मा जो नागपुर बेस्ड कंपनी है इसमें काम करते हुए मेरे 5.5 साल हो चुके हैं। फाउंडर आईडी है और आज ऑल ओवर इंडिया में करीब करीब 18,000 लोग ग्रीन डाइट वर्क में हैं। ठीक है सर, हम लोग फाइटोकेमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग कॉस्मेटिक में बनाते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर भी बनाते हैं और हम लोग वेटनरी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ठीक है सर, तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट की कि असाइलम के प्रोडक्ट ही क्यों, प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनी है सर, असाइलम का प्रोडक्ट ही क्यों। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि असाइलम एकमात्र एक ऐसी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में जो ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रही है। अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कंपनियां हैं वो सप्लीमेंट बेच रही हैं कि जब तक आप खाओगे तब तक ही असर रहेगा, जिस दिन आप खाना बंद करोगे चाहे 2 साल खाओ 3 साल खाओ आप वापस नहीं पहुंचोगे जहां से आप शुरू हुए। ठीक है सर, आपके घर में कोई एक बीमार हुआ और आपको 2,000 रुपये महीने की दवाई मेडिसिन खिला दी गई, और अगर दूसरा भी बीमार हो गया क्या आप सक्षम होंगे कि 2,000 रुपये महीने की उसको भी प्रोडक्ट खिलाओगे? क्या 4,000 रुपये के महीने के प्रोडक्ट्स खिलाए जा सकते हैं रेगुलर होल लाइफ? क्योंकि जब भी आप साल भर के बाद बंद करोगे वो वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है कि नहीं सर? तो असाइलम कुछ यूनिक लेकर आया, कॉन्सेप्ट तो मैं कभी फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। असाइलम के प्रोडक्ट क्यों करने चाहिए, असाइलम में ऐसा क्या है जो दूसरों प्रोडक्ट में नहीं है? पहली बात, असाइलम फाइटोकेमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है। फाइटोकेमिस्ट्री बेस्ड होते हैं प्रोडक्ट्स वो जो पौधों से बनाए जाते हैं और जो 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी बॉडी के अंदर असर देते हैं। कुछ लोगों को कुछ टाइम भी लगता है लेकिन मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपको ये असर दिखाने शुरू कर देते हैं। उसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसकी बीमारी कितनी पुरानी। सर, तो हम लोग ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद आप हमारे प्रोडक्ट को बंद कर सकते हो और अगले 3 से 5 साल तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने अपने दिनचर्या में सुधार कर लिया तो। ठीक है ना, मेडिसिन खाने आपने जो भी प्रोडक्ट आपको दिया गया वो बंद कर सकते हो एक सर्टन लेवल पे जाने के बाद। क्या कोई और कंपनी है सर जो ये बोलती है सर आप हमारे प्रोडक्ट खाने बंद कर दो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? कोई कंपनी बता दो सर, आप लोगों ने बहुत सारी कंपनी में काम किया हो, वो यही कहते हैं, उनको यही सिखाया जाता है खाओगे तो असर रहेगा सर, बंद करोगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। यानी कि वो आपको एक रेगुलर चाहते हैं कि रेगुलर आप माल प्रोडक्ट उनसे रेगुलर आप सेलिंग में ही बिजी रहो, और हम बनाने आए हैं यहाँ पर नेटवर्क। ठीक है ना सर, हमारी कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट्स आपको एक लिमिट तक ही देने हैं लोगों को, जब वो ठीक हो जाए बंद कर देंगे, लेकिन साथ में जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट पे आगे कभी चर्चा करेंगे। आज बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, असाइलम के प्रोडक्ट क्यों, कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो यूनिक है जो आपको मार्केट में कोई और कंपनी नहीं देगी। क्योंकि लोग कहेंगे साहब मेरे को ये काम करना क्यों है, मोर का असाइलम प्रोडक्ट ही क्यों, मैं तो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रही हूँ या बेच रहा हूँ, मैं यही क्यों करूँ? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्यों करने चाहिए, ये प्रोडक्ट क्या स्पेशल है। ठीक है ना, बात करते हैं सर। सबसे पहले हमारा एक प्रोडक्ट है यहाँ पर ओमेगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हमारा DHA जो हमारा पेटेंट भी है और 2031 तक हम पेटेंट है हमारे पास, यानी कि 2031 तक हमारे अलावा और कोई कंपनी इसको इस फॉर्म में बनाकर नहीं बेच सकती। तो ऐसी पहली कंपनी है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में पेटेंट प्रोडक्ट लेकर आई है। अब आपको भी सर इसमें यूनिक क्या है, इसमें यूनिक क्या है? ठीक है सर, तो सर अगर थोड़ा सा आपको जानकारी मैं दे दूं कि ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा एक तरह का फैट होता है, ओमेगा एक तरह का फैट होता है और फैट भी दो तरह के होते हैं,
ठीक है कि नहीं है? फैट भी दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना सर? ओमेगा एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ओमेगा एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आप जो भी तेल लेकर आते हो उसके पीछे क्या लिखा होता है? उस एक बोतल लीटर लाते हो या पांच लीटर का लाते हो या तीन लेकर आते हो, PUFA, प्यूफा, यानी कि वो कंपनी कह रही है कि मेरे इस तेल के अंदर ओमेगा है। और PUFA की फुल फॉर्म होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सर आप नहीं लिख रहे हो तो पेन लेकर मत बैठो सर, लिखे जा, ठीक है ना सर? मुझे ये एक्टिंग नहीं अच्छी लगती है सर। ठीक है कि नहीं सर? तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFA, वो ये कंपनी कह रही है कि मेरे इस तेल का खाओगे तो आपको ओमेगा मिलेगा, और ओमेगा एक तरह का फैट है, फैट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि फैट है ओमेगा। और हम ये फैट हमको मिलता कहां से है? हमें अपने जो पूरे दिन में भोजन खाते हैं उससे मिलता है, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का ब्रंच, रात का डिनर, चार टाइम जो पांच टाइम या छह छह टाइम भी लोग खाते हैं उससे हमको फैट मिलता है पूरे पूरे उसमें। लेकिन हमें चाहिए 2300 किलो कैलोरीज हमारे शरीर को काम करने के लिए। आपका शरीर उठता है बैठता है, आप काम करते हो या नहीं करते हो, जो भी करते हो, 2300 किलो कैलोरीज आपके शरीर में बनेगी तो आपको आपका शरीर काम करेगा। मिनरल्स विटामिन जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं ये हमारी कैलोरीज बनाते हैं, और उसमें अकेला फैट एक ऐसा है जो 630 किलो कैलोरीज जनरेट करता है। लेकिन हम जो पूरे दिन में भोजन खाते हैं उसमें हमको फैट चाहिए होता है 70 से 90 ग्राम, लेकिन हमें अपने भोजन में मिलता है, चाहे हम जितना अच्छा भोजन खा ले, हमें मिलता है 30 से 40 ग्राम, ठीक है कि नहीं है? 30 से 40 ग्राम, तो यानी कि 20, 30, 40 ग्राम जो फैट का फर्क रह गया, धीरे धीरे हमारी बॉडी में उस डेफिशिएंसी बैठती जाती है। हम जब बच्चे होते हैं हमारा एनर्जी लेवल अलग होता है, तो जवान होते हैं हमारा एनर्जी लेवल अलग होता है, थोड़े प्रौढ़ हो जाते हैं हमारा एनर्जी लेवल अलग होता है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता है। धीरे धीरे जो कमी थी ना वो हमारे शरीर में दिखने लगती है। 70-80 लेवल कब तक रहता है? क्या चीज? किस एज तक रहता है 70-80 लेवल? क्या चीज? फैट का लेवल बॉडी में। बॉडी में फैट का लेवल सर आपको पर डे का चाहिए चाहिए फैट इतना, लेकिन आपका जो जो आप भोजन खा रहे हो इससे जो फैट बन रहा है वो 30-40 ग्राम मात्र बन रहा है, चाहे आप जितना मर्जी खाओ, और हमें चाहिए 70-90 ग्राम के बीच में। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर एक की, आपकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है, ठीक है कि नहीं सर? तो डेफिशिएंसी धीरे धीरे जो कमी रहेगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और उम्र के साथ आपने कई लोगों को सुना भी होगा, सर मैं जब जवान था ना तो पैर मारता था पानी निकल आता, इतनी ताकत थी मेरे शरीर के, लेकिन आज वो पैर पटक भी लेंगे ना, अपना शरीर पटक भी लेंगे तो ताकत नहीं रहेगी, डेफिशिएंसी बढ़ती, कमी जो की थी ना बढ़ती चल चली गई। तो इसके लिए हमें खाना होता है ओमेगा, इस गैप को कम करने के लिए, क्योंकि ओमेगा एक फैटी एसिड है, फैट है एक तरह का, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा को बोला जाता है, और WHO इसको प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन ओमेगा भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है सर? ओमेगा होता है, एक होता है EPA, इकोसा पेंटामिक एसिड,
दूसरा होता है DHA डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, तीसरा होता है ALA अल्फा ल्यूटिनिक एसिड। अब आप कहोगे सर EPA सुना है DHA सुना है, ALA क्या है? सर ALA को WHO प्रमोट नहीं करता क्योंकि DHA और EPA के अंदर 24 से 22 मिनरल विटामिन होते हैं जबकि ALA के अंदर 12 से 14 मिनरल्स विटामिन होते हैं, इसलिए WHO ने ALA को इस कैटेगरी से बाहर निकाला। ठीक है ना सर, कई कंपनियां ALA को DHA बनाकर बेचती हैं और उनका सर मालूम पड़ता है हमारा एक कैप्सूल उनका 100 कैप्सूल के बराबर है, ये फर्क है। और ऐसी पहली कंपनी है जो ओमेगा को पाउडर फॉर्म में लेकर आई है। अभी तक आपको ओमेगा मिलता है लिक्विड फॉर्म में और नॉन वेजिटेरियन सोर्स के क्रिलफिश के साथ, लेकिन असाइलम लेकर आया है इसको वेजिटेरियन सोर्स के साथ। और इस पे इस पद्धति को अपनाने के कारण हमें मिला पेटेंट 2031 तक पे है, इसीलिए हमारा ओमेगा ज्यादा काम करता है। हमारे ओमेगा की बायोबिलिटी 97% है सर, यानी कि 100% आपकी बॉडी के अंदर जाता है, 97% यूज होता है, 3% बाहर निकल जाता है। ठीक है सर, लेकिन और ओमेगा मैक्सिमम 22% पर काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, बाकी वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये फर्क है आपका हमारे ओमेगा और दूसरों के। अब असाइलम ने यहां पर भी एक चीज करी क्योंकि कंपनी की सोच वहां से शुरू होती है जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है। लोग ओमेगा को प्रमोट करते हैं, DHA को प्रमोट करते हैं, EPA को प्रमोट करते हैं, लेकिन EPA को अलग बेचते हैं, DHA को अलग बेचते हैं। हमारी कंपनी ने क्या किया, DHA और EPA को कॉम्बिनेशन कर दिया और एक मिलाकर प्रोडक्ट बन गया आपके सामने, इसका नाम है ओमेगा। ओमेगा कैप्सूल जो पेटेंट है उसमें 250 mg EPA और 250 mg DHA, 250 mg EPA 250 mg DHA, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया ओमेगा कैप्सूल। यानी कि आपको ईपी अलग नहीं खाना, डीएचए अलग नहीं खाना, दोनों का ही फायदा आपको मिल जाता और एक मिला का यूनिट बन जाती है। सर को रखा होगा भाई, ठीक है कि नहीं सर जी? तो आप एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ हैं और ये है हमारा ओमेगा कैप्सूल। ठीक है सर, इसमें और ये कॉम्बिनेशन के कारण ये एक यूनिक प्रोडक्ट बन गया DHO और EPA को मिलाने से। ये इसलिए बन गया कि ये अब आपके सिर से लेके एडी तक कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज होगी तो खोलने में 100% सक्षम है और हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है हमारा ओमेगा कैप्सूल। हार्ट की ब्लॉकेज हो, आपका हार्ट पंप सही नहीं करता हो, ब्लडिंग नहीं करता हो, प्रॉब्लम्स हो हार्ट में, हार्ट की हर तरह की प्रॉब्लम में काम। इसके अलावा वायरस किसी भी तरह के वायरस को मारने में सक्षम है हमारा ओमेगा कैप्सूल। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस घुस गया हो उसके अंदर सक्षम है ये हमारा ओमेगा कैप्सूल। ओमेगा कैप्सूल आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ओमेगा कैप्सूल आपके कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने का भी काम करता है। मैं ये कहूंगा कि आज के इस कोरोना काल के बाद आज छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं सर। ठीक है ना सर, आदमी तब प्रिकॉशन लेता है जब वो डॉक्टर के पास पहुंच गया होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये चीज ना हो तो आपको ओमेगा इस्तेमाल करना चाहिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे जब वो दवाइयां 10 लिखवा देगा और कहेगा ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, तब आप ओमेगा खाओगे क्या?
ठीक है ना सर। तो अगर आप अपने आप को परफेक्ट रखना चाहते हो तो कम से कम एक कैप्सूल रोज, नहीं तो एक कैप्सूल बीडी की एज कुछ ज़्यादा हो चुकी है। सर जो 60 प्लस वाले हैं उनको कितने दिन तक महीने खाना चाहिए? ये रेगुलर फूड है सर, ये फूड है। ओमेगा एक तरह का फैटी एसिड, मैंने आपको बोला फैटी एसिड है, ये कोई मेडिसिन नहीं है सर, ठीक है ना। और फैट तो हमको चाहिए होता है रोज, 2300 किलो कैलोरीज तो रोज चाहिए हमको। अगर एक दिन आप खाना ना खाओ, दो दिन खाना ना खाओ, तीसरे दिन आपका शरीर उतना काम करेगा तो आप उसको जिंदगी भर नहीं खा सकते हो सर। लेकिन एटलीस्ट कम से कम मेरे हिसाब से जिनकी एज ज्यादा है उनको रेगुलर खाना चाहिए, जो यंग है कम से कम 120 दिन इसको जरूर खाए, नहीं तो एक कैप्सूल डेली खाए। चल आप जैसे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं ना तो जितने पैसे वो मांगता उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। आप ये नहीं कहते सर 5000 रुपये बने सर 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, बात ले लो आप, हाँ तो भगवान आपको खुदा लगता है उस टाइम। छोटा ऑर्डर तो ऐसा है कि नहीं है, कोई बुक बोली ये बोलता सर इतने ले लो, अगर सीरियस होगा तो कभी नहीं बोलेगा, तो नाम सीरियस होगा वो बोल देगा, ठीक है नहीं सर। तो आपको ये खाना चाहिए, अपन जो खुद खाता है ना वही रिकमेंड कर सकता है सर, जो खुद ही नहीं खाता रिकमेंड करेगा तो कौन खाएगा। तो ये यूनिक प्रोडक्ट है ओमेगा।